गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार सिंह फ्रॉम एसडीएसवी गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज सिसोदर। जैसा कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सेकेंड पेपर का चैप्टर फर्स्ट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, स्पीच किसे कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आज मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का क्या रूल्स है। तो देयर आर थ्री रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट जनरल रूल्स एंड सेकेंड स्पेशल रूल्स। और फर्स्ट जो है जनरल रूल्स में क्या क्या आता है इसको ध्यान देना है। जनरल रूल्स में फर्स्ट आता है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड आता है चेंज ऑफ टेंस, थर्ड आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस दिन भी मैं चर्चा किया था कि चेंज ऑफ पर्सन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स पर्सन चेंज करने में ही मिस्टेक करते हैं। तो इस पर अगर हम लोग का कमांड हो जाता है तो कोई मिस्टेक नहीं होगा पर्सन। और जैसा कि मैं 11th में पूरा आप लोगों को नोट्स लिखवा चुका हूँ सेकेंड पेपर का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, सिंथेसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, फिगर्स ऑफ स्पीच का, इस सारे चैप्टर्स का मैं नोट्स लिखवा दिया हूँ, इसलिए पुनः उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। और मैं चेंज ऑफ पर्सन जो है इसका एक दो एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बता रहा हूँ। चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष परिवर्तन। अब इसमें ध्यान क्या देना है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि सीता से टू राम, आई एम योर फ्रेंड। सीता राम से कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब ये हुआ डायरेक्ट। डायरेक्ट का उस दिन भी मैं बताया था कि पहचानने का नियम है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच होता है और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें नियम है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पर्सन तो चेंज करेंगे ही, और कंजंक्शन जो है दैट का प्रयोग करेंगे। आप लोग नोटबुक निकाल कर अपने सामने रख लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। और सेज टू है वो टेंस में बदल जाएगा। जैसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको सीता टेल्स राम का इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट अब आई पहचानना है कि कौन पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता है, तो सीता के लिए यहाँ सी आ जाएगा और ये सब्जेक्ट के सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सी। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस में इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। तो सी की जगह पर सी के बाद ई, सी इज अब योर जो है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, राम। तो ये है पोजेसिव केस में, तो राम का पोजेसिव केस क्या होता है, माई। से माई तो कहने का मतलब कि ये डायरेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट हुआ। इस तरह से हम दो चार एग्जाम्पल्स लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा चेंज ऑफ पर्सन। अब इसको मैं मिटाता हूँ।
अब दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं देता हूँ, सेकेंड, जैसे राम सेज टू रहीम, राम सेज टू रहीम, अब आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें बताया कि सेज टू को आप टेंस टू में बदलो, तो करेक्ट मतलब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम टेल्स रहीम, जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग होगा दैट। अब आई पहचानना है कि कौन पर्सन है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है राम, तो राम के लिए जो है आता है ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है राम, तो थर्ड पर्सन को नाम जो होगा वो ही होगा, तो ही, और ही के साथ ही लगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो कहने का मतलब कि इसका ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, जिसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को 11th कक्षा में लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं रूल्स नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सर्व कराऊंगा। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए बिंदु, किन किन बातों पर ध्यान देना है, पहला पर्सन पहचानना, दूसरा केस पहचानना, थर्ड फॉर्मूला सन लाइट 123 का प्रयोग करना, ये तीन चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब कि अब इसी एग्जाम्पल को मैं बिताता हूँ, अब फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, चेंज ऑफ पर्सन ही आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स जो है चेंज ऑफ पर्सन में ही मिस्टेक करते हैं। अब जैसे चेंज ऑफ पर्सन जो है, अब इसका एग्जाम्पल एक और मैं देता हूँ, थर्ड आई से टू यू आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब ये डायरेक्ट हुआ, अब इसमें इनडायरेक्ट हुआ आई टेल यू, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे दैट, अब आई को पहचानना है कि कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट आई ही, इसलिए यहाँ आई ही हो जाएगा, आई एम रेडी टू हेल्प यू, अब यू को हमको समझना है कि यू कौन पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू ही, तो यहाँ पर सीधे यू ही बैठ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ आई है यहाँ यू है, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट तो यहाँ आई हो जाएगा, और सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट तो यहाँ यू है तो यहाँ यू हो जाएगा, आई टेल यू दैट आई एम रेडी टू हेल्प यू, ये इनडायरेक्ट हो। तो इस तरह से आप लोगों को मैं दो चार पांच क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप लोग घर से भी बने ही
जैसे फोर नंबर का क्वेश्चन जो है सेकंड पर्सन का मैं देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ही सेज टू यू यू आर गुड स्टूडेंट, वह आपको सिखाता है कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन आया, यहाँ आया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, तो पहले इस रिपोर्टिंग भर को चेंज करेंगे, तो ही टेल्स यू दैट, अब यू सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ यू ही है तो इसलिए यहाँ यू आ जाएगा, यू आर गुड स्टूडेंट्स। मेरा कहने का मतलब है कि पहले हम पर्सन पहचानेंगे तो यहाँ पर्सन पहचाने सेकंड पर्सन, अब किस केस में है तो केस में है एक जैसे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्टिव केस में है पर्सन है सेकंड पर्सन, तो जब हम यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्टिव केस ही यू रहेगा, यानी कर्ता के रूप में ही रहेगा, और सेम वैसे ही उतार देंगे क्योंकि जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं फर्स्ट पर्सन भी चेंज करके दिखाया, सेकंड पर्सन भी चेंज करके दिखाया, अब थर्ड पर्सन के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। You say to me, he is an honest student. He is an honest student. अब इसको हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब तो कोई दिक्कत नहीं, यू टेल मी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो दैट का प्रयोग होगा, यू टेल मी दैट। अब यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको सीधे हम उतार दें, दैट ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ थर्ड पर्सन ही सी इट दे चेंज नहीं होगा, इसको सेम लिखना है, तो इसके लिए आप कोई भी ग्रामर का बुक्स ले लीजिए और उससे करीब 10-20 क्वेश्चन बनाइए, आपका ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस एग्जाम्पल को मैं डिलीट कर, अब चेंज ऑफ पर्सन के बाद हम लोग को सीखना है चेंज ऑफ टेंस, काल परिवर्तन। तो आप नोटबुक्स में अपनी 11th कक्षा का देखिए कि मैं लिखवाया था कि जब रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्नलिखित तरीके से बदला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है जब रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग भर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट्स बुक्स में मैं सारा 11th कक्षा में लिखवा चुका हूँ, इसलिए उसको मैं रूल को लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट्स बुक निकाल कर उसमें देखिए। अगर रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट
नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। तो कहने का मतलब कि चेंज ऑफ टेंस जो है इसका सेकंड पोर्शन जो है चेंज ऑफ टेंस काल परिवर्तन। अब काल परिवर्तन का रूल तो मैं लिखवा चुका हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं इसके एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को समझाया हूँ। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मान लो कि हे सेड टू मी, आई राइट अ लेटर। वह मुझसे कहता है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया। अभी तक चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग सीखे थे कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस में कोई रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा। एक पास्ट टेंस में है, एक प्रेजेंट इंडिकेटिव है, तो प्रेजेंट इंडिकेटिव पास्ट इंडिकेटिव में बदल जाएगा और यहाँ सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा। हे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट रहेगा दैट। अभी पास्ट प्रेजेंट इंडिकेटिव है तो पास्ट इंडिकेटिव बदल जाएगा। और पर्सन तो जो चेंज है पर्सन का रूल जो है उसको हम लोग को फॉलो करना होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही हो जाएगा। और राइट का पास्ट इंडिकेटिव हो जाएगा पास्ट रोट, ही रोट अ लेटर। तो कहने का मतलब कि चेंज ऑफ टेंस में हमको टेंस के कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर हम बढ़िया से चेंज कर लेंगे। अगर टेंस के कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक फर्स्ट एग्जांपल है पास्ट इंडिकेट में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है तो हम क्या करेंगे। राम सेड टू सीता, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं आप लोगों को छोटे छोटे एग्जांपल के द्वारा इस चैप्टर को क्लियर करना चाहता हूँ। इलेवेंथ में भी मैंने यही छोटे छोटे एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर किया था। अब इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, तो राम टोल्ड सीता इन्वर्टेड कॉमा कटाएंगे तो दैट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को नाम क्या आता है, ही आता है। आई कंटिन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो कहने का मतलब कि प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट इंडिकेटिव पास्ट इंडिकेटिव बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। उसके एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूं। सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये है पास्ट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो है भी है डन ग्रेट जॉब। आज मैं यहीं तक आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, अधिक दूसरे क्लास में। धन्यवाद। ऐसा बड़ी जब तक